तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर वाज सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से फिगर गिवन है और साथ ही आपसे बताया गया कि ये जो AC और जो BD है वो आपके पास दो डायमीटर, इट मींस O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल बेसिकली। उसके बाद आपको गिवन है ये जो AC है वो 16 सेंटीमीटर, मतलब BD भी जो है वो आपके पास क्या होने वाला है, 16 सेंटीमीटर होने वाला है, क्योंकि दोनों आपके पास क्या है, डायमीटर है। और सारे डायमीटर होते हैं किसी भी सर्कल के, एक सर्कल के क्या होते, सारे के सारे इक्वल होते, राइट। ठीक है, अच्छा, पाई की वैल्यू जो हमें यूज करना है 3.14 यूज करना है, और साथ ही हमें फाइंड आउट करना है दो चीजें। पहला, एक पेरीमीटर बोले तो सर्कमफेरेंस, और अच्छा किसका, ऑफ शेडेड पोर्शन ओनली, पूरे का नहीं करना, पूरे करना सिंपली 2πr और एरिया का πr स्क्वायर लगाते कम बन जाता, नहीं, बट आपको पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना ऑफ ओनली शेडेड पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर एक क्वाड्रेंट का एरिया और सर्कमफेरेंस इक्वल होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि पेरीमीटर भी किसी एक का निकालें और 2 से इंटू कर देंगे। उसके बाद किसी एक का एरिया निकालें उसको हम 2 से इंटू कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए, इसका पहले तो हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं किसी एक का। तो पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि कंप्लीट बाउंड्री की लेंथ कितनी है, राइट। तो लेंथ इसकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये जो शेडेड पोर्शन है, और नेक्स्ट आपके पास एक ये हो सकता है, राइट। तो हमें क्या करनी है, इसकी लेंथ पता करनी है और कुछ नहीं। तो इसकी लेंथ कैसे पता चलेगी, यार ये कंप्लीट 16 था तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये भी 8 है आपके पास, ये भी 8 है आपके पास, ये भी 8 है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला पोर्शन तो 8+8 पहले से आपको पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। कंप्लीट अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो एक तो हो जाएगा OA प्लस का OD और प्लस में आर्क हो जाएगा AD, जो आर्क होगा, आर्क लेंथ ऑफ आर्क यहां से लेकर यहां तक, वो क्या होने वाला है आपके पास, सिंपली AD। बात समझ में आ रही है, आर्क ऑफ AD, A से लेकर D तक का, और ये वाला OA और OD, इन तीनों को अगर मैं सम करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट AOD। चीजें समझ में आ गई, और इसको मैं 2 से इंटू कर दूंगा तो कंप्लीट पेरीमीटर आ जाएगा शेडेड पोर्शन का, क्योंकि ऐसा एक और है हमारे पास, राइट। ओके, तो हमने OA और OD तो पता कर चुके हैं क्योंकि वो रेडियस होने वाला है, डायमीटर कंप्लीट 16 है। तो चलिए अब बात करते हैं आर्क AD की। तो प्लस में आर्क AD का अगर मैं लेंथ बताऊं तो सिंपल है, सिंपल देखिए, जब एक क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करते हैं तो जो कंप्लीट आपके पास 2πr होता है कंप्लीट, यार उसी का तो पोर्शन को हमने 4 से डिवाइड किया है, देख लीजिए एक बार अच्छे से चीजों को समझ लीजिए। अरे बात समझ में, हमने क्या करा है, ये जो चीज है इसको हम एरिया कैसे निकाल रहे हैं, एरिया क्या रहा, सॉरी सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का मतलब ये इस कंप्लीट को आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, और एक यहां से यहां तक, ये हमने पता कर लिया, बस ये पता करना था। तो पूरे 2πr को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं। तो इसको अगर मैं कैंसिल कर लेता हूं तो कुछ इस तरीके से आएगा πr डिवाइडेड बाय में 2, और इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 8+8+ पाई के जगह पे 3.14 और इंटू में आर के जगह पे 8 और डिवाइडेड बाय में 2, 2 से 2 करेंगे इसको 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8+8+ इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 314 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 × 12 = 14 = 56, 1256 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो 8 × 8 = 16, 12 = 28 आ जाएगा, है ना, 28.56 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो निकला वो एक क्वाड्रेंट का निकला है, हमें इसे 2 से इंटू करने की जरूरत पड़ेगी इसकी वजह से, राइट, बताया था अभी मैंने आप लोगों को, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा 28 × 56 और 57.12। चीजें समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा, ये पेरीमीटर है और सेंटीमीटर में अगर चीजें थी तो ये 100% क्या होने वाला आपके पास, सेंटीमीटर में आने वाला है, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं तो देखिए, इस वाला एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये और ये निकालना है, एक का निकाल के 2 से इंटू करेंगे तो कंप्लीट का एरिया निकालते तो πr² 4, एक क्वाड्रेंट का 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, आप 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला ये हो गया, पाई की जगह पे 3.14, आर के जगह पे 8 होने वाला है, 8 × 8 = 64, दो बार लिख देते हो, डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय ये 2, इस 2 से ये 2 गया, 2 से इसको 4 टाइम्स में, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 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 रिजल्ट ले जाइए, ध्यान रखना आपको इसको लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर में, चीजें क्लियर है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
ठीक है। तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। कहता आप मुझे एक सर्कल का एरिया निकाल कर बताओ भाई कितना आएगा जब ये अपने अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर लेगा, मतलब अपने अंदर इस तरीके से आपके पास ड्रॉ किया हुआ मिलेगा। अच्छा ये जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद ईच साइड 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। Now we have to find the area of this whole circle basically. तो देखिएगा अगर मुझे सर्कल का एरिया चाहिए तो एरिया का कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, which is equal to pi r का square and I think pi is equal to 3.14 लेने को कहा। चलो वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत है एक पाई जो कि पता है, एक रेडियस जो हमें नहीं पता है। सिर्फ इसमें रेडियस निकालने का जो ट्रिक है, देखिए फटाफट इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर हो रहा होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको मैं इस तरीके से ज्वाइन करूंगा और इसको मैं यहां से इस तरीके से ज्वाइन करूंगा। अच्छा सेंटर से जो लाइन जाता है वो क्या करता है, इस वाले इसको अगर कोड होता टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो परपेंडिकुलर लाइन जाता है, मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, तो ये जो होगा वो 7.5 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आपके पास 7.5। अच्छा हमें ये चीज पता चला है ये अभी रेडियस नहीं है, ये हमें पता भी नहीं है, हमारा टारगेट है इसे निकालने का रेडियस का। तो ट्रायंगल की नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी, सेंटर को ओ की नेमिंग करता हूँ, यहाँ इस वाले पॉइंट को डी की नेमिंग कर देता हूँ, राइट, ठीक है। अब अपने को ओ बी चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया जो कि सेंटर से जाएगा, तो ये वाला जो एंगल रहेगा आपके पास 30 डिग्री का काम करेगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक वो साइड लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, देख लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रेडियस निकालना सिखा देता हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोल देता हूँ मैं, BDO, इसमें आप ले लीजिए एक साइड जो आपको पता हो, बोले तो BD आपको पता है, डिवाइडेड बाय में एक साइड वो ले लीजिए जो आपको निकालना हो, दैट इज OB या फिर BO कुछ भी ले लीजिए, इज इक्वल टू, देखिए ये 90 ये एंगल इसके सामने वाले परपेंडिकुलर है, तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, तो ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कॉस होता है और एंगल आपके पास 30 डिग्री है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, हमें ये पता है तो ये निकाल लूंगा मैं, इसलिए कर रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस की जरूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो यहां से BD अपने को मालूम है, दैट इज 7.5 डिवाइडेड बाय OB, नहीं पता OB हमें नहीं पता, रेडियस से डिनोट कर देता हूं R से, और इज इक्वल टू, मैं ये तो फॉर्मूला मैंने लगाया ताकि cos 30 डिग्री में लिख सकूं, और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए R की वैल्यू इसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा डिवाइडेड बाय में √3, आपको R की वैल्यू पता चल चुकी है, लीजिए यहां पे पुट कीजिए अपना काम बना लीजिए, पाई के जगह पे पुट कर दीजिए 3.14 मल्टीप्लाई R के जगह पे 15/√3, दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 15/√3, ठीक है, पॉइंट हटाइए नीचे 100 कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी होगा, ऊपर आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई 15 और नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई √3 ओनली 3, काटापिटी कीजिए आंसर ले जाइए, चीजें समझ में आई। अच्छा ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में था तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्लियर है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, देखिए सिमिलर कॉन्सेप्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 की तरीके से, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, देखिए लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि लास्ट वाली क्वेश्चन में 22 में और लास्ट ये 23 क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज का फर्क है, एक बार देखिएगा 22 को रीड कर रहे हैं एक बार फिर से ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। कहते फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका कहने का मतलब ये सर्कमस्क्राइबिंग मतलब अपने अंदर बना रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल को। अच्छा आगे देखिएगा 23 को अब मैं रीड कर रहा हूं, कहता फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहां पे ये जो सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये बना हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। मान लीजिए अगर ये सर्कल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां से इस तरीके से अंदर बन रहा हुआ सर्कल। अब आपको इस सर्कल का रेडियस सॉरी एरिया निकालना है, बट बिफोर दैट हमें क्या बोला है, साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर। अब हमें भी एरिया चाहिए तो फिर से हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, अगेन यू आर गिवन पाई इज इक्वल टू 3.14, तो रेडियस निकालेंगे यहां से, तो यहां से फिर से ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल 30 डिग्री, यहां से ऐसे करूंगा ये कंप्लीट 18 डिग्री 18 सेंटीमीटर था, तो ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको मैं ए बी सी, इसको मैं डी और इसको मैं ओ की फिर से नेमिंग कर दिया,
बट दिस टाइम हमें क्या जरूरत है, ये वाली लेंथ नहीं चाहिए क्योंकि हमें रेडियस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड दिस टाइम रेडियस इज दिस, लास्ट टाइम नहीं था, ध्यान देने वाली बात है ठीक है। लास्ट टाइम वो रेडियस का काम नहीं कर रहा था, लास्ट टाइम ये वाला पोर्शन रेडियस का काम कर रहा था राइट ठीक है। अब की बार अपने को ओडी चाहिए, तो एक बार ये जो दिया है वो और एक बार ये वाला ले लेंगे। तो अब की बार मैं बोल दूंगा बी डी डिवाइडेड बाई में ओडी इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है आपके पास कॉट होता है ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लूंगा कॉट, अच्छा कितना एंगल है तो 30 डिग्री, चलिए BD की वैल्यू 9, OD की वैल्यू चलिए मैं OD को R ले लेता हूं, और cot 30, देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 और cot 30 की वैल्यू ओनली √3, यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो 9 अपॉन में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया ठीक है। चलिए R की वैल्यू मिला, यहां पे पुट कीजिए, पाई की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चीजें समझ में आ गई, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कुछ इस तरीके से आपके पास फिगर गिवन है और क्वेश्चन जो कह रहा है शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल इन अ रेस्टोरेंट दैट ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड एंगल बीओडी 90 डिग्री और ओडी और ओबी जो है वो आपके पास 60 सेंटीमीटर के हैं। अपने को फाइंड आउट करना एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल एंड पैरामीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, और पाई की वैल्यू 3.14 ही आपको लेना है। तो चीजों को समझिएगा एक बार, ये जो टेबल है सबसे पहली चीज ये बता दो टॉप ये नहीं ये वाली चीज है ना। अब देखने में बोला ऐसा क्यों बनाया फिर, तो ये चीज आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की जरूरत है ठीक है। ऐसा इसलिए बनाया क्यों बनाया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ से देखकर हमें ये जरूर पता चल जाएगा कि टेबल जो है वो इस तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से ये जो नीचे इसके टांग है ना पैर, इसके जो फोर लेग्स होते हैं उस टाइप का थोड़ा सा डिजाइन टाइप में बना रखा है। ये वाला टॉप है मतलब बाहर वाला साइड, ये वाला चीज है, तो इसकी इसी का ही अपने को एरिया निकालना और इसी का अपने को पैरीमीटर निकालना है। मतलब एरिया मतलब ये वाला, और पैरीमीटर का मतलब मैं उसको रेड से आपको डिनोट करके बता देता हूँ, मतलब ये वाला यहाँ से ऐसे जहाँ जहाँ जाओ जो भी बाउंड्री है ना बेसिकली वो चीज निकालना है और कुछ नहीं ठीक है। तो छोटी सी चीज है, सबसे पहले मैं आपको एरिया का बता देता हूँ। अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो ये कंप्लीट एरिया है, जो कि अगर मैं इसको कंप्लीट ऐसे सर्कल बना देता हूं तो ये वाला अगर मैं बोलता हूं तो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये वाला कंप्लीट पोर्शन जो मैंने कलर किया एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी एरिया सेक्टर है बट ये मेजर है, ये वाला माइनर, छोटे बड़े और कुछ नहीं। तो मेजर वाले क्या करेंगे, ये 90 है तो बाकी एंगल कितने बन जाएंगे 270, बोलिए 360 का मैं से 90 हटा दिया तो 270, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे क्या होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, बात खत्म, बात समझ में आ रही है। तो थीटा कितना आपके पास 270 डिवाइडेड बाय में 360 मल्टीप्लाई पाई के जगह पे 3.14 आर का स्क्वायर, आर दिया है यस दिस इज 60 और ये वाला आपके पास सेंटर ही है, तो 60 मल्टीप्लाई 60 बात खत्म, सॉल्व कीजिए आंसर ले जाइए। नेक्स्ट आपके पास पैरीमीटर, तो पैरीमीटर देखिए ये वाला और ये वाला तो आना ही आना है, तो 60 और 60 दे ही रखा है, तो 60 प्लस का 60 कर लिया मैंने, और प्लस में ये वाला लेंथ, अब ये क्या लेंथ ऑफ आर्क है बट दिस इज मेजर लेंथ ऑफ आर्क। आपने मेरी पहली वीडियो देखी है इस चैप्टर का तो आपको पता चलेगा कि माइनर लेंथ ऑफ आर्क और मेजर लेंथ ऑफ आर्क में क्या फर्क है और क्या फॉर्मूले बनेंगे है ना। तो इसका होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2πr, तो यहाँ पे 2π की मतलब आर की वैल्यू पुट करी लोगे, थीटा की जगह पे अगेन आपके पास 270 आने वाला है क्योंकि मेजर लेंथ ऑफ आर्क की मैं बात कर रहा हूँ। चीजें समझ में आ गई, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा वैल्यूज पुट करके, छोटी सी चीजें है ना, तो यह आ जाएगा 60 120 प्लस का थीटा 270 डिवाइड में 360 डायरेक्ट कर देता हूँ 3/4 है तो 3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई के जगह 3.14 और इसके जगह पे ये इसके जगह पे आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई करना और ऐड करना, तो यार छोटी चीजें आप लोग तो कर ही लोगे, मेन चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए है ना, प्लस माइनस तो करना आप लोगों को आता ही है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बड़ा ही छोटू सा क्वेश्चन दिया है, कहता है कुछ इस तरीके से आपके पास फिर से फिगर है और इसके अंदर आपके पास एक स्क्वायर है कुछ इस तरीके से ठीक है, जिसकी लेंथ है जो साइड की वो कितनी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो सारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 और ये भी आपके पास 5 का ही हो जाने वाला है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं हम, तो इनका कहना है कि भाई इन द गिवन फिगर एबीसीडी स्क्वायर इनस्क्राइब्ड सर्कल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, पहले तो रेडियस निकालना उसके बाद एरिया भी निकालना और पाई की जगह वही लेना है, शेडेड पोर्शन तो एक ये है, उसके पहले आपसे बोला रेडियस निकालिए, तो देखिए इसके मैं सेंटर से पास करवा रहा हूँ इस वाले डायगोनल को, तो ये वाला 5 है ये वाला 5 है 90 डिग्री यहाँ पे है, तो पाइथागोरस अप्लाई कीजिए ये 5 ये 5 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा है ना। मान लीजिए अगर मैं ए बी सी डी की नेमिंग करता हूँ, ए बी सी डी यहाँ पे ओ की नेमिंग कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अपने को बी डी ही चाहिए तो स्क्वायर को इधर स्क्वायर के अंडर रूट भेज दूंगा, बी सी की जगह 5 का स्क्वायर प्लस में ये भी 5 का स्क्वायर है ना, 25 25 50 हो जाएगा आपके पास,
तो रूट के अंडर में आपके पास 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 5 या 5√2 आ जाएगा। तो BD की वैल्यू आ गई 5√2। क्या चीजें समझ में आ गई? लेकिन हमें BD नहीं, हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस इसका हाफ होगा, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5√2 डिवाइडेड बाय में 2 विल बी द रेडियस इन सेंटीमीटर बेसिकली ऑफ दिस सर्कल। रेडियस के बाद एरिया निकालने को बोला, एरिया की वैल्यू पाई आर का स्क्वायर, पाई के जगह पे 3.14 मल्टीप्लाई आर के जगह पे 5√2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5√2 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करिए, इसको देखिए क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ये कितना बना लेगा, 50 बना लेगा, 50 है ना, ये आ जाएगा 50 और नीचे में आ जाएगा 4 और नीचे में 3.14 है ना। इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कीजिए, रिजल्ट ले जाइए इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो क्या है आपके पास एरिया है। ठीक है, डन है, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, बट बिफोर दैट क्वेश्चन नंबर 25 में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं करा, बट ठीक है आगे चीजों को समझिए। इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोला था, मैंने सर्कल का निकाल दिया, अभी जैसे इस तरीके से बनाया था ना, इस तरीके से हमें शेडेड रीजन ये वाला गिवन था, ये वाले हमने सर्कल का एरिया निकाला, जो भी निकला उसमें से आपको क्या करना है, इस स्क्वायर को माइनस कर देना, क्योंकि सर्कल का कंप्लीट एरिया है, स्क्वायर का जब तक लेस नहीं करूंगा तब तक शेडेड रीजन नहीं बचेंगे। चीजें समझ में आ रही है? तो लास्ट में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू में क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल जो आपको मैंने निकालने का है माइनस कर देना एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड इनटू साइड, मतलब 5 × 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या करना आपको माइनस कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें आपसे क्या बोला है, एक सर्कल है आपके पास और सर्कल के अंदर आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, और एडजेसेंट साइड है 8 और 6, तो बड़े वाले को 8 लिए, छोटे वाले 6, आपसे क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। तो रेडियस क्या करेंगे, पहले पूरा निकाल लेंगे, ये 8 है 6, पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, ये 10 मिलेगा, 10 का हाफ कर देंगे क्योंकि सेंटर पूरा डायमीटर का रेडियस ये 5 आ जाएगा, रेडियस का मैंने 5 निकाल दिया। अब आपसे शेडेड रीजन पूछा है, फिर से यही वाला सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है, अरे बस में शेडेड रीजन कैसे निकलेंगे, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर का स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू में ब्रेड, तो पाई के जगह पे 3.14 गिवन है, आई थिंक सो, यस, मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर मतलब 5 × 5 माइनस का लेंथ इनटू ब्रेड, लेंथ ब्रेड 8 × 6 = 48, माइनस कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई करके, दैट्स इट, है ना, यही चीज आपके पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। चीजें क्लियर है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, हमने 26 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे, और तब तक बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कोई न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जय हिंद।